हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोटीन का तीसरा क्लास लेंगे और इसमें आपको हम लोग डिस्कस करेंगे पेप्टाइड एवं प्रोटीन की संरचनाओं के बारे में। सबसे पहले बेटा जी, आज का जो टॉपिक है वो है पेप्टाइड। अब बेटा पेप्टाइड होता क्या है? पेप्टाइड जो है दो या दो से अधिक एक समान या भिन्न भिन्न प्रकार के एमिनो अम्लों का संघनन बहुलक होता है। मैंने यहां पे तीन शब्दों का प्रयोग किया है जिसे आप देखिए। पहला मैंने बोला पेप्टाइड दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल दूसरी बात समान या भिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल समान या भिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल तीसरी बात का संघनन बहुलक है। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि एमिनो अम्ल हमारे पास प्रोटीन में कितने प्रकार के थे? 20 प्रकार के थे, तो 20 में से 10 आवश्यक थे, 10 जो थे अनावश्यक थे। अब मान लीजिए कि दो मैं एमिनो अम्ल आपके पास लेता हूं ग्लाइसिन, एक मैं लेता हूं ग्लाइसिन और एक लेता हूं एलानिन। अब देखिए, ग्लाइसिन हम तो जानते हैं सबसे छोटा एमिनो अम्ल है, प्रकाशीय रूप से असक्रिय है। तो अब ये देखिए CH2NH2COOH और एलानिन क्या है? NH2CH CH3COOH। अब इसको जब हम अभिक्रिया करेंगे तो देखिए बेटा, इसका OH और इसका H ये दोनों जल बनकर बाहर निकल जाएगा, जल मुक्त होगा। अब यहां बनेगा क्या? तो ये बन गया NH2 और ये हो गया आपका CH2 फिर COOH। ये जो बन रहा है ना बेटा जी, ये वाला जो है ये आपका CH3COOH, ये स्थिति बनती है। और यहां पे अगर आप देखें तो ये जो बना यही पेप्टाइड आबंध है। अब ये पेप्टाइड आबंध है और ये जो बना, ये देखिए, ये ग्लाइसिन है और ये एलानिन है। तो इसको हम कोड कैसे करेंगे? इसका नाम होगा ग्लाई ALA। इसका जो ये वाला सेंटर है इसे हम लोग सी एंड कहेंगे, सी टर्मिनल एंड है ये और ये इन टर्मिनल एंड है, यानी इसको हम कहेंगे सी टर्मिनल अंत या एंड और इसको हम कहेंगे इन टर्मिनल एंड। हिंदी में हम इसको कहेंगे एन अंतस्थ शीर्ष और ये कहेगा कि सी अंतस्थ शीर्ष, इस प्रकार से इसका नाम होगा। अब एक बात इसको देखिए कि यहां पर
इसका जो नाम लिखेंगे इसका मैं किस प्रकार से लिखता हूं, इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखेंगे बेटा। देखिए पहले ग्लाइसिन है तो ग्लाइसी, अब देखिए इसका एलेनिन में ये हटा दीजिए, ग्लाइसी लेलिन, ग्लाइसी लेनिन, ग्लाइसी लेनिन, इसको हम संकेत के रूप में लिखेंगे जी एल वाई एल ए, और इसका ये संकेत हो गया बेटा संकेत, और इसका कोड क्या होगा जी और ए, ये इसका कोड है। तो इस प्रकार से हम लोग एमिनो अम्ल के बारे में सी टर्मिनल एन टर्मिनल की बात करेंगे। और इसमें अब मान लीजिए कि पहले अगर मैं अभी ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइसिनेनिन ग्लाइसिलेनिन में सी टर्मिनल क्या है, तो भाई कौन क्रिएट करेगा तो एलेनिन, एन टर्मिनल कौन क्रिएट करेगा तो ग्लाइसिन, और यही अगर उलट जाता मान लीजिए कि पहले हम एलेनिन लेते और फिर बाद में ग्लाइसिन लेते, तो अब देखिए अब ग्लाइसिन, तो मान लीजिए कि अगर ये चीज ऐसे होता कि ए एल ए जी एल वाई, तो अब इसमें ये क्या बनाता एन टर्मिनल बनाता और ये क्या बनाता सी टर्मिनल, ये सी टर्मिनल बनाता और ये एन टर्मिनल बनाता, एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल बनाता। इस प्रकार से अब देखिए यहां पे अब ये पेप्टाइड लिंकेज है, इसमें दो एमिनो अम्ल है, इसे हम लोग डाइपेप्टाइड कहेंगे। देखिए पेप्टाइड एक अबंध है, लेकिन जो डाइपेप्टाइड है ट्राइपेप्टाइड है पॉलीपेप्टाइड है ये अबंध नहीं है, ये क्या है यौगिक है, यौगिक है। अगर मैं अबंध के आधार पे इन यौगिकों को विभक्त करूं यानी वर्गीकृत करें तो हम क्या पाएंगे उस चीज को देखिए जरा एकदम ध्यान से देखिएगा बेटा, कि अगर अबंध के आधार पे अगर हम बांटते हैं तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेप्टाइडों की संख्या के आधार पर, अगर हम पेप्टाइडों की संख्या के आधार पर बांटे बेटा तो एक शब्द आता है ओलिगो पेप्टाइड, ओलिगो पेप्टाइड, इसमें दो से नौ दो से लेके नौ एमिनो अम्ल होते हैं, इसमें टू टू नाइन एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल। अब मान लीजिए कि अगला होता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड इसमें आपका दस से लेके सौ एमिनो अम्ल होते हैं, सौ एमिनो अम्ल। अगर मान लीजिए कि सौ से अगर अधिक हो गए, सौ से अधिक एमिनो अम्ल अगर हुए, तो अगर सौ से अधिक एमिनो अम्ल होंगे बेटा तो हम उसे प्रोटीन कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा जी प्रोटीन। मैंने तीन कैटेगरी हो गया पेप्टाइड के आधार पे, ओलिगो पेप्टाइड आपका पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, अगर आपका दो से लेके नौ एमिनो अम्ल होते हैं तो ओलिगो पेप्टाइड, अगर मान लीजिए दस से सौ होते हैं पॉलीपेप्टाइड और सौ से अधिक होते हैं तो प्रोटीन। अब एक जैसे मान लीजिए कि अगर कल को कोई ऐसा भी क्वेश्चन आता कि जी एल वाई ए एल ए और पी एच ई ये क्या है, ये डाइपेप्टाइड है कि ट्राइपेप्टाइड है, भाई तीन एमिनो अम्ल है, ये ट्राइपेप्टाइड है, ये ट्राई पेप्टाइड है। अब ट्राइपेप्टाइड तो हो गया, पूछेगा कि इसमें एन एंड कौन बना रहा है, एन टर्मिनल कौन है और सी टर्मिनल कौन है,
भाई ये एन टर्मिनल बनाएगा और ये क्या बनाएगा, सी टर्मिनल बनाएगा। कौन कौन है भाई, तो ये ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है, एलानिन है, और ये आपका फिनाइलेनिन है, फेनिलानिन, फेनिलानिन। ये तीन एमिनो अम्लों से ये बना हुआ है। इस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं कि अब मान लीजिए कि ये कभी क्वेश्चन आता है, कोई दे देगा, कोड दे देगा कि भाई इसमें कौन कौन सा एमिनो अम्ल है, सी टर्मिनल क्या है, एन टर्मिनल क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं। ऑलवेज हम बार बार एक चीज को रिपीट करना चाहेंगे बेटा कि कभी भी ये मत सोचना, देखिए पेप्टाइड एक अबंध है, आई रिपीट, पेप्टाइड एक क्या है, अबंध है, लेकिन जो डाई पेप्टाइड है, ट्राई पेप्टाइड है, टेट्रा है, पॉली है, ये कंपाउंड होते हैं। दो एमिनो अम्ल बने तो डाइपेप्टाइड, उसमें जो अबंध उपस्थित है वो पेप्टाइड अबंध है, CONH, लेकिन ये बाकी कंपाउंड है, इस चीज को ध्यान में रखना होगा। अब ये इस तरह से, जैसे ये ट्राइपेप्टाइड है, क्यों भाई ट्राइपेप्टाइड है, कि इसमें कितने हैं, तीन एमिनो अम्ल है, लेकिन कोई पूछे कि इसमें पेप्टाइड अबंध कुल कितने हैं, भाई एक एक पेप्टाइड अबंध यहां होगा, एक पेप्टाइड अबंध यहां, दो पेप्टाइड अबंध है, लेकिन ट्राइपेप्टाइड है क्योंकि इसमें तीन एमिनो अम्ल है, ये यहां पे ध्यान देने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये जो पेप्टाइड है ये एमिनो अम्ल से या प्रोटीन से किस प्रकार भिन्न है, तो पेप्टाइड किस प्रकार से भिन्न है, तो मैं आपसे ये बात बताना चाहूंगा कि एमिनो अम्ल माने की बात अगर करें तो एमिनो अम्ल को लेकर पॉली पेप्टाइड एवं प्रोटीन, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड के बीच में कोई सुस्पष्ट अंतर नहीं है, सुस्पष्ट अंतर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये फला चीज आपका पॉलीपेप्टाइड है और फला चीज प्रोटीन है। एक बैरियर है कि 100 से ज्यादा एमिनो अम्ल है तो प्रोटीन कहिए, 100 से कम है तो क्या कहिएगा, पॉलीपेप्टाइड कहिएगा। लेकिन अब यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे इंसुलिन का नाम सुना होगा आपने, इंसुलिन, इंसुलिन, अब इंसुलिन एक हार्मोन है। अब देखिए इसमें कुल मिला के 51 एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं। अब 51 एमिनो अम्ल है इसमें, और ये भी दो प्रोटोमर के हैं, माने दो इसमें चेन होगी, दो चेन होगी, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अल्फा जो एमिनो अम्ल की मतलब ये अल्फा जो चेन होगा उसमें 21 एमिनो अम्ल होंगे, और दूसरा जो चेन होगा बी, दूसरा चेन, उसमें 30 एमिनो अम्ल होंगे। अब कोई ये कहे कि भाई ये तो परिभाषा के अनुसार सर ये तो इंसुलिन होना चाहिए पॉलीपेप्टाइड, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि क्या है, प्रोटीन है। तो ये चीज बने एग्जिस्ट करता है, इस बात को समझिए। और भी बात देख सकते हैं कि इसका क्या परिभाषा में इसलिए संशोधन क्या किया गया कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड या कोई भी एमिनो अम्ल का एक ऐसा समूह, एक समूह जिनका सुस्पष्ट संरूपण हो, माने इनका जो है डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन हो, माने इनका इनको इनको परिभाषित किया जाएगा कि ये कैसे व्यवस्थित है, तो फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रोटीन। यानी पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जिनका या जिनमें जिनमें सुस्पष्ट सुस्पष्ट संरूपण होता है उसे प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। अब इसके लिए अब आपको यह दिमाग लगाना नहीं है कि उसमें 100 है कि 100 से कम है, आपके सामने है इंसुलिन, ये बोर्ड में आ चुका है कि
जो आपका इंसुलिन है उसके जो प्रोटोनर है, प्रोटोमर है, प्रोटोमर माने जिनसे ये मिलकर बन रहा है, उनके जो दो ट्रेन है, दो चेन है, उनमें कितना कितने का होता है। तो पहली बात की ये दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड की श्रृंखला होती है, नंबर एक बात। और इन श्रृंखलाओं में एक में 21 होता है और एक में कितना होता है 30, क्योंकि दोनों जोड़ के कितने होने हैं 51। एक और मैं आपको बहुत बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या माने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ चुका है कि हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में भी दो ट्रेंड पाए जाते हैं, ए और ए बी, या अल्फा बीटा कह लीजिए। अब इन अल्फा बीटा में, या अल्फा बीटा कह लीजिए, तो अल्फा बीटा या ए बी, तो इनमें क्या होता है कि ये फिर आपस में दो दो पाते हैं। 141 एमिनो अम्ल का दो गो सीक्वेंस यहां पाया जाएगा और ये भी दो ट्रेंड पाया जाता है, 146 और 146, ये दो ट्रेंड यहां पाया जाएगा। तो अब ये सबको अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 296 ये हो गया 292 ना, 6 × 12, और ये कितना हो गया 282, और इनको जोड़ेंगे तो 9, 8, 17 यानी 574 एमिनो एसिड होते हैं। ये भी बोर्ड में आ चुका है कि हीमोग्लोबिन में कुल कितने एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 574 जो पाए जाएंगे दो ट्रेंड के होंगे, अल्फा और बीटा, और दोनों के दो दो ट्रेंड पाए जाते हैं। तो अब मैं ये तो समझ में आता है क्योंकि यहां पे 100 से अधिक एमिनो अम्ल हैं, इनको प्रोटीन कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन भी होता है इसको कह सकते हैं। अच्छा, और लोहा होता है इसमें, मेटल होता है, उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब ये देखिए इसमें दो ट्रेंड है, अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा 41 41, लेकिन कुल कितने हैं 574, ये आपके पास है। तो अब ये बात ध्यान देने वाली है, अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं तो आप ये देखेंगे कि अब मैं प्रोटीन ले सकते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन के बारे में एक जटिल जैव अणु या एक जटिल नाइट्रोजन युक्त जैव अणु जिसमें 100 से अधिक एमिनो अम्ल हो तथा आणविक द्रव्यमान दस हजार इकाई से अधिक हो, उसे प्रोटीन कहते हैं, यह जीवन के निर्माण एवं उसके सामान्य रख रखाव के लिए अति आवश्यक है। यह जीवन के निर्माण एवं सामान्य रख रखाव के लिए अति आवश्यक है। माने ये हमारे लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग वर्गीकृत कर देते हैं, तो अगर मैं वर्गीकृत करता हूं प्रोटीन को, तो इसकी संरचना के आधार पर अगर हम करते हैं, संरचना
के आधार पर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा जी रेशेदार प्रोटीन और दूसरा होता है गोलिकाकार, गोलिकाकार प्रोटीन। अब ये देखिए रेशेदार प्रोटीन में क्या होता है कि ये इसको हम अंग्रेजी में फाइबरस प्रोटीन भी कहते हैं। प्रोटीन और ये ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसमें क्या होता है कि एमिनो अम्ल की श्रृंखलाएं रैखीय रूप से जुड़कर तंतुनुमा संरचना निर्मित करती हैं। तंतुनुमा संरचना यानी जो होता है इसमें कि एमिनो अम्ल जो होते हैं, मतलब रैखीय रूप से जुड़कर, रैखीय रूप से जुड़कर तंतुनुमा संरचना उत्पन्न करता है। अब तंतुनुमा संरचना उत्पन्न करता है जिसमें एमिनो की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है एक दूसरे के समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। इसमें क्या होगा कि जो एमिनो अम्ल की संरचनाएं हैं एक दूसरे के समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। एमिनो अम्ल की जो संरचनाएं हैं श्रृंखला की पॉली पेप्टाइड श्रृंखला समांतर क्रम में व्यवस्थित होती है। अब देखिए व्यवस्थित हो गई। इसमें तीसरा जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि ये जो आपस में दो प्रकार के आबंधों से बनी होती है, एक तो आबंध होता है आपका हाइड्रोजन आबंध, इनमें हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है, हाइड्रोजन आबंध एवं डाइसल्फाइड आबंध उपस्थित होता है, डाई सल्फाइड आबंध उपस्थित होता है। अच्छा एक देखिए ये अस्थाई होता है, अस्थाई मतलब ये स्टेबल है, इट इज स्टेबल, यह अस्थाई होता है। अच्छा यह जो है ये आपका जल में अघुलनशील होता है, या जल में अघुलनशील हो गया, घुलनशील हो गया। अच्छा यह जो होगा रैखीय संघनन प्रक्रिया द्वारा बनता है, जो संघनन अभिक्रिया होती है ना उसके द्वारा बनता है, यह रैखीय संघनन अभिक्रिया द्वारा बनता है। अच्छा इसका उदाहरण बहुत प्यारा है, जैसे इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है बेटा कि किरेटिन, किरेटिन नाखून में होता है, बाल में होता है, और नाखून हो गया, बाल हो गया। उदाहरण जो इसका लेंगे किरेटिन, अब किरेटिन देखिए ये नाखून में हो गया, बाल हो गया, ऊन हो गया, त्वचा हो गई यानी स्किन आदि में होता है। अच्छा मायोसिन, मायोसिन जो है मांसपेशियों में होता है, मांसपेशियों में होता है।
मांसपेशियों में उपस्थित होता है। इसी प्रकार है लिगामेंट, टेंडन, ये सब फाइब्रिन प्रोटीन है, मतलब ये फाइब्रस है। लिगामेंट ये अस्थियों को जोड़ता है, टेंडन ये अस्थि और मांसपेशी को जोड़ता है, मांसपेशी को जोड़ता है को जोड़ता है। अच्छा, इसके विपरीत अगर हम देखें आपका ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको गोलिकाकार प्रोटीन कहते हैं, अगर मैं देखूं कि गोलिकाकार प्रोटीन, अब ये देखिए इसमें क्या होगा कि जो आपका एमिनो अम्ल की रेखीय संरचनाएं होंगी वो पूर्ण रूप से कुंडलित होकर गोलाकार संरचना बना लेती है, गोलिका नुमा संरचना बना लेती है। यानी इसमें एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला है ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुंडलित होकर गोलाकार संरचना प्राप्त कर लेती है। अब देखिए गोलाकार संरचना प्राप्त कर ली तो अब इसमें क्या हो गया कि इनमें केवल ए चाबंद उपस्थित होता है, इनमें ए चाबंद केवल उपस्थित होता है। इसमें क्या है, इनमें केवल ए चाबंद उपस्थित होता है। अब देखिए ए चाबंद उपस्थित होता है तो ए चाबंद जल के साथ बन के ये जल में घुलनशील होता है, ये जल में क्या हो गया, घुलनशील हो गया। ये जो है कम अस्थाई होता है, यह कम अस्थाई होता है, जल में घुलनशील होता है। ये देखिए यह कम अस्थाई है, जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। और एक और बात बेटा जी, ये जो होता है अम्लीय एवं क्षारीय एमिनो अम्ल के संघनन से बनता है, यह अम्लीय एवं क्षारीय एमिनो अम्ल के संघनन से बनता है। इसमें इसका जो उदाहरण लेंगे तो मान लीजिए गामा ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, इत्यादि। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये प्रोटीन के माने दो प्रकार हैं जिनके बारे में ये 2 मार्क्स का अंतर आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई जोन में है तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि थ्योरी पोर्शन में तो या ही सकता है, इस चीज को समझिए आप थोड़ा सा। नंबर है कि अब अगर हम प्रोटीन को जल अपघटन के आधार पर बांटे तो कैसे बांटेंगे, है ना। यदि मैं प्रोटीन को जल अपघटन के आधार पर बांटूं तो कितने प्रकार से बांट सकते हैं, जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। बेटा ये 3 प्रकार के होंगे, एक सरल प्रोटीन,
एक होगा व्युत्पन्न प्रोटीन और तीसरा होगा एक होगा संयुग्मी संयुग्मी प्रोटीन और तीसरा होगा व्युत्पन्न प्रोटीन। यानी एक हो गया सरल प्रोटीन। अब देखिए सरल प्रोटीन क्या है कि यह जल अपघटन द्वारा केवल अल्फा एमिनो अम्ल बनाता है, सीधे अल्फा एमिनो अम्ल बनाता है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, केरेटिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, इत्यादि। एक होता है बेटा जी संयुग्मी, संयुग्मी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या करेगा ना कि जब इसका जल अपघटन करते हैं, मान लीजिए कि इसको जल अपघटन कर दिए, जल अपघटन, तो दो चीजें बनेंगी। एक बनेगा संयुग्मी प्रोटीन पे जल अपघटन से पहला चीज क्या बनेगा, एक चीज तो बनेगा प्रोटीनस, एक प्रोटीन या एमिनो अम्ल बनेगा। और साथ में यानी ये प्रोटीन भाग होगा, प्रोटीन भाग होगा, और एक जो होगा अप्रोटीन भाग होगा, जो सहसंयोजी हो सकता है ना असहसंयोजी भी हो सकता है, प्लस एक सहसंयोजी सहसंयोजी या असहसंयोजी भाग बनेगा। इसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे, प्रोस्थेटिक समूह कहेंगे। अब ये प्रोस्थेटिक समूह धातु आयन हो, धातु मतलब कुछ भी हो सकता है, धातु भी हो सकता है, कोई और यौगिक भी हो सकता है। जैसे इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लीजिए पहला हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हम न्यूक्लियो प्रोटीन लेते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन या ना, इसमें क्या होगा न्यूक्लीन होगा और न्यूक्लीन के साथ इसमें न्यूक्लीन उपस्थित होता है प्रोथेटिक ग्रुप के रूप में। अगर ग्लाइकोप्रोटीन ले लिए, ग्लाइकोप्रोटीन, तो इसमें ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होगा। अच्छा न्यूक्लियन माने वही डीएनए आरएनए, और इसमें कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए मायोप्रोटीन ले लिए, मसल्स में होता है, तो इसमें मायोसिन तो होगा ही के साथ बाकी फंक्शन होगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए क्रोम प्रोटीन ले लिए, क्रोम प्रोटीन, तो इसमें कोई भी रंगीन पदार्थ होगा, जैसे मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन लेते हैं, ये हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल ले लीजिए, क्लोरोफिल इसमें मैग्नीशियम के कारण इसका रंग है। तो ये इन्हें संयोग में मतलब इसमें एमिनो अम्ल के साथ कोई और पदार्थ भी साथ में उत्पन्न हो जाएगा, ये बात होती है। और जो लास्ट अपने पास है वो है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। अब देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन क्या है कि वह प्रोटीन जो सरल या संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से उत्पन्न होता है, माने व्युत्पन्न प्रोटीन, वह प्रोटीन जो सरल या संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से उत्पन्न होता है।
ये देखिए सरल या संयुग्मी प्रोटीन के जल अपघटन से अगर उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन है, इसको तोड़िएगा प्रोटियोज मिलेगा, इसको तोड़िएगा पेप्टोन्स मिलेंगे, इसको तोड़िएगा पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड मिलेगा, इसको तोड़िएगा एमिनो अम्ल मिलेगा। तो मतलब ये जो तीनों मिले ना, ये व्युत्पन्न प्रोटीन के कैटेगरी में आएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि पेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड कैसे बोलेंगे, और पॉलीपेप्टाइड से किस प्रकार प्रोटीन। वैसे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटीन क्यों अलग है, किन मायनों में अलग है। इसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया, एक संरचना के आधार पे और एक जल अपघटन के आधार पे। फिर उसका जो संरचनात्मक इकाइयों के आधार पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हम अपने अगले वीडियो में उसको पुट अप करेंगे। ठीक है बेटा, बार बार इसको रिवाइज कीजिए, इसकी बारीकियों को, एमिनो अम्ल की भी बहुत बारीकियां, बहुत सारे ट्रिक्स थे, उसको भी बार बार रिवाइज कीजिए बेटा, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, उसके अपने खुद के कुछ ट्रिक बनाइए। ठीक है, फिर भी मतलब कोई दिक्कत होता है तो क्वेश्चन बॉक्स में जाके क्वेश्चन आस्क कीजिए हमसे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।